एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट एंड आई एम गुड टू। सो आज है मौसम बहुत ज्यादा अच्छा और दिन भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज बिल्कुल भी धूप नहीं है, मौसम बहुत अच्छा है और कभी भी बारिश हो सकती है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। एंड अभी रचित ऑफिस चला गया, आज मैं ऑफिस नहीं गई हूँ फॉर सम रीजंस। एंड अभी आंटी आए थे, उन्होंने पूरी सफाई की, बर्तन यू नो क्लियर किए पूरे। एंड अब घर इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, मैं आपको थोड़ी सी ग्लिम्स देती हूँ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बाहर कितना ज्यादा अच्छा मौसम हुआ है एंड यहाँ पे पूरी सफाई हो चुकी है। वहां पे देखो मैंने व्लॉग लगाया हुआ है अपलोड पे, यहाँ पे भी पूरी सफाई कर दी है। यहाँ पे मैं अपनी लिस्ट बना रही थी कामों की, किचन में सारे बर्तन धुल चुके हैं, अभी मुझे ये सेट भी करना है सारा सब कुछ। तो एक्चुअली आज दीदी जीजू ने घर पर आना है डिनर के लिए, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। बहुत टाइम हो गया था कि वो लोग आ नहीं पा रहे थे क्योंकि इतने ज्यादा बिजी रहते हैं सब लोग, तो मैंने आज डिसाइड किया कि आज हम लोग डिनर करेंगे अच्छा खासा। एंड यू नो मैं भी लिस्ट बना रही थी चीजों की कि क्या क्या मैं शाम को बना सकती हूँ, तो अभी मैंने बहुत सारी चीजें ब्लिंकिट की हैं तो वो आने वाली हैं, तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो जो मैंने ब्लिंकिट किया था सामान वो आ चुका है और कुछ ज्यादा ही ऑर्डर कर दिया मुझे लग गया मैंने, तो आ गए राइस। अभी दिखाऊंगी मैं आपको सब कुछ। ये देखो ब्लिंकिट से सारा सामान आ चुका है, तो राइस खत्म हो गए थे तो मैंने 5 kg वो मंगवाए, ठीक है। उसके बाद आ गया धनिया, जो आजकल बहुत वायरल भी हो रहा था कि बहुत महंगा दे रहे हैं। मैंने 2 मंगवाए थे क्योंकि मैंने चटनी बनानी है आज। एक्चुअली जो लोग ब्लिंकिट करना चाहते हैं घर पे सामान, बट उनको डाउट होता है कि यू नो किस टाइप का सामान आता है, खराब तो नहीं आता, तो मैं आपको वो दिखा देती हूँ कि किस टाइप का आता है। तो मैंने धनिया के साथ साथ टमाटर भी मंगवाए थे, ये देखो टमाटर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, एकदम अच्छे वाले हैं। मिर्चें मंगवाई थी बिल्कुल सेम वैसी ही है, और आलू, आलू थोड़ा गीला है बट अच्छा है। ओके, सो ये रहा सारा सामान जो मैंने मंगवाया था, पनीर, मोज़रेला चीज। तो अगर आप सामान इनसे मंगवाते हो तो यू नो डिसेंट सामान आ जाता है। अगर आप कभी भी सामान मंगवाते हो और आपको लगता है कि सामान अच्छा नहीं आया है तो आप रिपोर्ट बैक कर सकते हो, तो वो आपके वो पैसे वापस कर देंगे। ज्यादा मेहनत कर रही थी तो मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं चीज बॉल्स के लिए, ठीक है। ये सारे जो प्याज और टमाटर अदरक लहसुन आपको दिख रहा है ये हमारे मेन कोर्स के लिए है, और ये रहे चटनी के लिए, तो काम इजी हो जाए इसलिए मैंने ऐसा कर लिया पहले। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो मैं रेडी हो चुकी हूँ, अच्छे से तैयार होकर आ गई हूँ। अच्छे से तो कहीं नहीं लग रहा, पूरे बाल बिखरे हुए हैं। मैंने सोचा है कि अभी मैं तैयारी शुरू कर देती हूँ चीजों की, एंड जब दीदी जीजू आएंगे तो मिक्स मैच करेंगे, आधी कुकिंग पहले कर लूंगी आधी बाद में। सो लेट्स सी। एक्चुअली मैं चीज बॉल्स बना रही हूँ, मैं बनाकर उसको फ्रिज में रख दूंगी और फिर शाम को उस टाइम मैं फ्राई करूंगी, तो अभी मैं दिखाती हूँ। ये देखो मैंने मिक्सचर तो बना दिया था आलू वाला, ठीक है, और ये रही हमारी मोज़रेला चीज। तो अभी मैं इसको यू नो गोल गोल कर इसमें फिल करूंगी ये, और इसको फ्रीज कर दूंगी। फिर मैंने चीज बॉल्स की जगह चीज टिक्कियां बना दी हैं, पर आप इनको देखो किस एंगल से ये चीज बॉल्स लग रही हैं। मैं इसको बर्गर में डालकर पूरा एक बर्गर बना सकती हूँ अभी। तो अभी यहाँ पर मैंने पीछे खाना बनाना स्टार्ट कर दिया, मैंने सोचा मेन कोर्स में जो मैं बना रही हूँ तो वो तो मैं बना ही देती हूँ, स्टार्टर्स वगैरह हम लोग मिलकर कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं पनीर और चिकन बना रही हूँ, एज यूजुअल हमारा फेवरेट, और हम लोग यही खाते हैं। पनीर बन चुका है, अब बारी आती है स्नैक्स वगैरह की, जो के लिए मैंने सारा मैरिनेशन वगैरह तैयार कर दिया है, तो बस अब फटाफट ऐसे खाना बन जाएगा। यू नो आई एम अ प्रो, आई थिंक यू कैन टेल बाय नाउ, कैन यू? ओके, अपना काम करते हैं और जब दीदी जीजू आएंगे अब मैं तब आपसे मिलूंगी, बाय। कोई खोलने की कोशिश कर रहा है। हेलो वेलकम। सो दीदी जीजू आ गए हैं, इतनी जल्दी आए, कब का टाइम दिया था मैंने? हम इसमें ट्रैफिक में फंसे। ट्रैफिक में मेरे लिए गिफ्ट लाए हो ब्लिंकिट से? Yes. क्या गिफ्ट लाए गए हैं मेरे लिए? बाय गॉड, ढोकला इतना और ये गोल गप्पे, ढोकला एंड गोल गप्पे, नाइस। स्टार्टर, स्टार्टर अभी कुछ नहीं बना, स्टार्टर ये स्टार्टर। अच्छा ये स्टार्ट, देखो ये नहीं अभी नहीं खानी, ये रुको, रचित आ रहा है, आ रहा है। तो अभी मम्मी जी लेकर आए थे घेवर, ये देखो ये देखो देखो जीजू, पेटू भी दिखा दो साथ साथ। नहीं नहीं है,
अरे वहाँ शॉप पे भी ना मतलब बूंदी मिल रही है, बूंदी उठाई और खा ली, शक्कर वाले ढूंढ रहे वहाँ ढूंढ रहे। ये देखो मैं बोलती हूँ हमेशा जब आ रहे हो नहीं खाना कुछ भी, और ये देखो अभी अभी इससे पेट भर लेंगे। ये मम्मी अभी घेवर दे के गए हैं, इतना टेस्टी है ये। किशर स्वीट्स का है क्या? अच्छा था कुल्फी, कुल्फी की बहुत फेमस है किशर स्वीट्स। हम शिमला से आते हैं जब आपके पेट में। धनिया की चटनी भी मैंने बना दी थी। ये आ गया पनीर और इसके अंदर चिकन है, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। मैं बोल रही थी कि ये रही चीज टिक्कियां, जो चीज बॉल्स बननी चाहिए थी, उनका ये हाल है। वो मैं दरवाजा खोलने आ रही थी, आपने खुद से क्यों खोला बताओ? ओके रचित आ चुका है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और यहाँ पे तो यहाँ पे कुकिंग चल रही है, वहाँ पे जीजू बना रहे हैं पनीर टिक्का, मलाई मलाई पनीर टिक्का, और यहाँ पे मैं बना रही चिकन वगैरह। हेलो एवरीवन, सो मैं रात को कुछ शूट नहीं कर पाई, हम लोग बैठ गए खाना खाने, क्योंकि यू नो होता है कि आप जब खाना बना रहे हो आप बातें कर रहे हो फिर आप व्लॉग नहीं कर पाते हो, मतलब एटलीस्ट मुझे अभी प्रैक्टिस नहीं है, क्या पता आगे जाकर हो जाए। एंड नेक्स्ट डे हो चुका है एंड ऑल्सो आई गॉट अ लिटिल हेयर कट एज यू कैन सी, आगे से थोड़ा सा मैंने किया है एंड हल्का सा कलर भी हुए बाल। और ये सब कुछ क्यों किया है मैंने, आपको पता ही होगा दैट वी आर गोइंग ऑन आवर हनीमून, सो अब पैकिंग वगैरह सब कुछ स्टार्ट हो चुकी है एंड आई एम रियली एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। और मुझे करनी है पैकिंग और बाकी सारा काम, तो मैं तो लग गई हूँ काम पे, मैंने सारे कपड़े वगैरह निकाल लिए हैं, अब थोड़ा मैं आपको दिखाती हूँ जो भी मैं पैकिंग कर रही हूँ। तो रचित ने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया है कि नहीं बताना कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो बट मैंने सोचा मैं आप लोगों को थोड़ी हिंट दे देती हूँ। सी माई हैट, ये मैंने ऑर्डर की थी, ओके बाल सारे खराब हो गए, सो ये वाली मैंने ऑर्डर की थी, ये मुझे आई थिंक 1200 समथिंग की पड़ी थी, और मुझे क्वालिटी पे थोड़ा हो रहा था कि पता नहीं कैसी निकलेगी, बट इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। जस्ट सी दिस, अभी रचित नहीं है ना व्लॉग बनाने के लिए, सी दिस, अभी ऐसे नहीं दिख रही, जब आपको ये आगे से मुझे शूट करेगा तभी बहुत अच्छी लगेगी। तो ये रहे दो लगेज, एक मेरा बड़ा वाला, रचित का छोटा वाला ऑब्वियसली, एंड यहाँ पे मैंने कुछ कपड़े निकाले हैं, इसमें से मुझे यू नो सिलेक्ट करना है कि मैं क्या डालूंगी, और वहाँ पे मैंने रखे हैं रचित के कपड़े, सो लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं अभी करने के लिए। मेरा पूरा टाइम जाने वाला है पैकिंग में एंड रात को वी आर थिंकिंग टू गो फॉर अ फेशियल, क्योंकि हमें एक दो दिन में निकलना है, तो उससे पहले यू नो अच्छे से फेशियल वगैरह हम लोग करवा लेते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टैन हो गई, मैं इतने दिन से शॉपिंग के चक्कर में बाहर इधर उधर जा रही थी और इतनी एक्सट्रीम लेवल में टैन हो गई हूँ ना मैं बता नहीं सकती, और जाके तो मेरा पता नहीं क्या होगा। सो तो अब मैं लगती हूँ काम पर।